साथियों, आज हम जानकारी प्राप्त करते हैं लोको में लगे हुए सेंट्रल बफर कपलर यानी सीबीसी के बारे में। सीबीसी का ऑपरेशन किस प्रकार किया जाता है और सीबीसी सही तरह से कपल हुई या नहीं, इसको किस प्रकार इंश्योर किया जाता है, इसकी जानकारी आज हम प्राप्त करेंगे। सीबीसी की जानकारी प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हम सीबीसी के पार्ट्स की बात करेंगे। सबसे पहले हम सीबीसी के पार्ट्स की जानकारी प्राप्त करेंगे। सीबीसी के पार्ट्स में सबसे पहले हम ऑपरेटिंग हैंडल की बात करते हैं। यह सीबीसी ऑपरेटिंग हैंडल है, आप देखें कि इसकी बनावट किस प्रकार की है। यह हैंडल पूरा जाता है और इसके बाद सीबीसी पर नीचे जो लॉक लिफ्टर असेंबली है, उस लॉक लिफ्टर असेंबली के साथ जुड़ा रहता है। सीबीसी का स्ट्राइकर है, यह स्ट्राइकर कास्टिंग लोको बॉडी के साथ में 6 नट बोल्ट के साथ जुड़ी रहती है, एक तरफ 3 तथा इसी प्रकार दूसरी तरफ से भी 3 नट बोल्ट की सहायता से यह स्ट्राइकर असेंबली जुड़ी होती है। यह सीबीसी का नकल है, ये नकल पिन है। इसी तरह दूसरी तरफ ये आपको जो दिख रहा है ये क्लेविस है और ये क्लेविस पिन है। क्लेविस के साथ में ये ट्रांजिशन स्क्रू कपलिंग है। यह सीबीसी की लॉक पिन है जो कि एक चेन की सहायता से सीबीसी बॉडी के साथ ही जुड़ी रहती है और सीबीसी को लॉक करने के पश्चात इस लॉक पिन को बने हुए एक ग्रूव में इंसर्ट किया जाता है। लॉक पिन पर आपको जो एक उठा हुआ हिस्सा दिख रहा है ये लॉकिंग लग कहलाता है। यही लॉकिंग लग लॉकिंग पिन को ग्रूव में लगाने के बाद जब हम लॉकिंग पिन को घुमाते हैं तो यही लॉकिंग लग की सहायता से लॉकिंग पिन लॉक होती है। यह नकल आपको अभी खुली अवस्था में दिख रही है और नकल में ये जो ग्रूव आपको दिख रहा है, ये नकल अंदर जाने के बाद इस ग्रूव पे ऊपर टॉगल आके गिरता है और इस नकल को लॉक करता है। ये देखिए, ये जो आया है ये टॉगल गिरा है और इसने नकल को लॉक कर दिया है। इतने के बाद भी ये नकल खुलेगी नहीं। इसकी गाड़ी में ये ना खुले इसके लिए सीबीसी की नकल को कपल करने के बाद हम इस ग्रूव में हमें ये लॉक पिन इंसर्ट करनी है, अंदर लाना है। इंसर्ट करते समय लॉकिंग लग ऊपर की तरफ सीध में होना चाहिए और इसके बाद इस पिन को ये घुमा दिया जाता है और घुमाने के बाद अब ये लॉकिंग पिन लॉक हो गई है। आप देख सकते हैं कि हम इसे निकालने की कोशिश भी कर रहे हैं तो ये निकल नहीं रहा है और साथ ही साथ लॉक करने के पश्चात यदि हम ऑपरेटिंग हैंडल को ऑपरेट करेंगे तो ऑपरेटिंग हैंडल भी ऑपरेट नहीं होगा और नकल नहीं खुलेगी। तो एक तरह से लॉकिंग पिन को लगाने के बाद लॉक लिफ्टर असेंबली लॉक हो जाती है जिससे कि नकल चलते रास्ते में भी नहीं खुलती है।